हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पर्सन आपके माइंड में 24/7 चल रहे हैं, वो आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर हम तीन कार्ड निकालेंगे पहले कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको आप दिन रात सोचते हो, 24/7 आपके माइंड में रहते हैं, वो आखिर आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में 24/7 चल रहे हैं, जिनके बारे में आप लगातार सोच रही हो या सोच रहे हो, वो भी लगातार आपको ही सोच रहे हैं, आप पर ही फोकस कर रहे हैं। और उनको ये फीलिंग आती है कि आप उनके लिए स्पेशल हो, आप वन एंड ओनली हो। और उनकी लाइफ में अभी कुछ थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है, अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं, इसलिए वो आपको प्रॉपर बता नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। लेकिन वो आपको उसी तरह से मिस करते हैं जिस तरीके से आप उनको मिस कर रही हो या कर रहे हो। और उनके ऊपर बर्डन्स बहुत हैं, उनके ऊपर फैमिली के बर्डन्स हैं, उनके ऊपर समाज के बर्डन्स हैं। हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हों, आपसे बात करना चाहते हों, आपका साथ देना चाहते हों, हर कदम पर आपके साथ रहना चाहते हों, लेकिन उनके ऊपर जो उनके दिमाग पर बोझा है वो है समाज का, लोग क्या कहेंगे, उनके फैमिली वाले उनको शायद टोका टोकी करते हैं। और उनके जो काम हैं, उनके जो वर्क हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी वो सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये थॉट चलती रहती है कि अगर वो खुलकर आपके साथ आए दुनिया के सामने, तो उनके काम पर, उनके वर्क पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितने लोग उनका साथ देंगे और कितने लोग उनका साथ छोड़ देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं आपको लेकर। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके अंदर पैशन बहुत है आपके लिए, बहुत पैशनेट हैं ये। और इनके लिए आप ही हो, जो भी हो, आपके साथ ये एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते हैं, या फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो, जिससे कि फ्यूचर में आप दोनों साथ मिलकर रह सको, साथ में काम कर सको, या किसी वर्क प्लेस पर ये हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उस जगह से जाओ नहीं, आप लगातार उनके साथ रहो हमेशा के लिए, कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं। अब ये पर्सन हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से हों, हो सकता है कि कोई ऐसे हों रिश्तेदारी में हों जिनको आप जानते हों, या नहीं नहीं अभी आपकी फ्रेंडशिप हुई हो इनसे, और ये आपको बहुत कुछ रिवील कराना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ये आपको अपना एक साथी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा साथी, एक ऐसा राजदार जिससे ये सारी बातें शेयर कर सकें और उसकी सारी बातें खुद सुन सकें, ऐसा इनका सोचना है आपको लेकर। ये इस तरह की फीलिंग रखते हैं आपके लिए। और अगला कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं, ये कदम बढ़ाने से पहले ये सोचते ज़रूर हैं। और ये अपने आप को बहुत गार्ड कर रहे हैं, बहुत सुरक्षित रखकर ये आगे चल रहे हैं, और एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बातों बातों में, इशारे इशारों में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया हो, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर आपको नहीं बताया है कि ये आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या आपसे प्यार करते हैं, ऐसा इन्होंने आपको नहीं बताया है अभी तक। तो अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ तक रीडिंग आपसे मैच होती है तो आगे देखिएगा आप, अगर नहीं मैच होती है तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे अगली रीडिंग को। और यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस। और
वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो यहाँ पर फायर साइन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, बहुत फायरी एनर्जी है। और ये कार्ड अपने आप से पॉपअप होकर आए हैं, तो वो आपको किस तरह से देखते हैं, जो मेरा अगला उनके लिए क्वेश्चन था वो यही था कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं। तो ये कार्ड खुद ही पॉपअप होकर निकल आए हैं, तो मैं इनको नहीं रखूंगी, इनको मैं लूंगी। वो आप में मैरिज पार्टनर की सारी खूबियाँ देखते हैं, उनको ये लगता है कि आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है, वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर में होने चाहिए, और वो इस रिश्ते को आगे मूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो खुद से ही आपके पास आएं, आपको बताएं आकर कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, और उसके बाद इस रिश्ते को शादी के रूप में, शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। ऐसा वो पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, और आपको वो एज ए लाइफ पार्टनर देखते हैं। तो उनका जो आपको देखने का तरीका है, मतलब मैं यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो किस तरीके से आपको देखते हैं, तो ये निकल कर आया है कि वो एज ए मैरिज पार्टनर आपको देखते हैं। उनकी नज़र में आप एक अच्छा मैरिज मटेरियल हो, और आपसे शादी करके लाइफ बहुत सुकून से गुजरेगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि बहुत से व्यूअर्स के घर पर हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ पहुँचे, दोस्ती बढ़ाना चाहें, फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहें, आपके घर वालों से घुलना मिलना चाहें, यहाँ पर ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि इस रिश्ते के लिए, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हो, आपको क्या करना है इनके लिए। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का कार्ड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है मैसेज डिवाइन का, यूनिवर्स का, कि अगर वो पर्सन आपके पास आते हैं मैरिज प्रपोजल लेकर, शादी का प्रपोजल लेकर, तो आपको उनको हाँ बोल देनी चाहिए, आपको उनसे मैरिज के लिए स्वीकृति दे देनी चाहिए हाँ बोलकर। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओनली वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। द वर्ल्ड, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। 360 डिग्री के एंगल से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपने अभी तक पास्ट में सिर्फ दुख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, और सिर्फ लोगों के ताने सुने हैं, सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया है लोगों की वजह से कि लोग आपको बुरा भला कहते हैं, तो अब आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन आ रहा है ये बहुत नर्चर पर्सन है, ये बहुत समझदार है, बहुत वाइज पीपल है, और इससे शादी के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है इस रिश्ते में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल श्योर होकर इस रिश्ते को हाँ बोल दीजिएगा, और ये रिश्ता आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू, आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से आपको सभी मैसेजेस अच्छे से समझ में आएंगे। तो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई, ऐसे ही साथ बने रहिए मेरे। आई प्रॉमिस यू कि आगे हमारा और भी स्पेशल जो रीडिंग है वो स्पेशल होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सभी सब्सक्राइबर को दिल से आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।